AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी पार्टी के बीच 36 का आंकड़ा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। जब भी चुनाव होते हैं दोनों एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ बयान देते रहते हैं, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माँ के निधन की आई तो ओवैसी ने सभी राजनीतिक दुश्मनी भुलाकर अपना फर्ज निभाया और निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के निधन के बाद पूरा देश गमगीन है। सभी विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के निधन पर दुखी हैं और गहरी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट किया और गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा, माय कंडोलेंस टू नरेंद्र मोदी एंड हिज फैमिली। खाके मरकत पर तेरी लेकर ये फरियाद आऊंगा, अब दुआएं नीम शब में किसी को मैं याद आऊंगा। कुलबाए अफलास में दौलत के काशाने में मौत, दस्तो दर में शहर में गुलशन में बीराने में मौत। तो कुछ इस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने हीराबा के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और ये बता दिया है कि राजनीतिक मंच पर भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीतियों का वो बहिष्कार करते हों और उसके खिलाफ बयान देते हों, लेकिन जब बात परिवार और शोक संवेदनाओं की आती है तो ओवैसी उस पर खरे उतरते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबा का निधन अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में शुक्रवार सुबह 3:30 पर हुआ। 30 दिसंबर 2022 को जब हीराबा का निधन हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और मां के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। वहीं पर पूरा देश PM मोदी की मां के निधन पर गमगीन है और देश विदेश से भी शोक संवेदनाएं आ रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। फिलहाल आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां का अंतिम संस्कार कैसे किया।